नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम उप सहसंयोजी यौगिकों के अंतर्गत उप सहसंयोजी यौगिकों में हाइड्रेट समावयता को जानेंगे। तो बने रहिए जेआरसी इंस्पायर केमिस्ट्री टेक के इस वीडियो के साथ अंत तक। हम जानेंगे उप सहसंयोजी यौगिकों में हाइड्रेट समावयता। तो जब किसी संकुल के उप सहसंयोजी मंडल के भीतर और बाहर जल के अणुओं की संख्या में भिन्नता के कारण समावयता उत्पन्न हो तो उसे हाइड्रेट समावयता कहते हैं। उन्हें जाने जब किसी संकुल के उप सहसंयोजक मंडल के भीतर एवं बाहर जल के अणुओं की संख्या में भिन्नता के कारण समावयवता उत्पन्न हो तो उसे हाइड्रेट समावयवता कहते हैं। उदाहरण CrCl3 × 6H2O के तीन हाइड्रेट समावय भी हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं हम CrCl3 × 6H2O के तीन हाइड्रेट समावय भी उदाहरण के माध्यम से। तो आइए CrCl3 × 6H2O के तीन हाइड्रेट समावयवों को हम उदाहरण सहित जाने। तो प्रथम उदाहरण इस प्रकार से, प्रथम केंद्रीय परमाणु क्रोमियम है Cr × H2O2⋯6, ये संकुल के अंदर, और Cl3 बाहर, अर्थात हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3rd क्लोराइड जो बैंगनी रंग का दिखता है, बैंगनी, एक समावयवी इस प्रकार से। दूसरा समावयवी इस प्रकार से Cr केंद्रीय परमाणु और H2O 5 अणु यहां पर जल के, 1 क्लोरीन यहां पर अर्थात संकुल के अंदर, और 1 जल का अणु हमारे पास शेष बचा, 6 में से 1 बचा है और 1 क्लोरीन। तो हम इसे बाहर कर देते हैं Cl2 × H2O। तो ये हरे रंग का दिखता है, हरा। तो जल के अणु की भिन्नता के कारण समावयवता उत्पन्न हो तो इसे हाइड्रेट समावयवता कहते हैं। हमने एक समावयवी इस प्रकार से जाना, संकुल के अंदर 6 जल के अणु और दूसरे समावयवी में संकुल के अंदर 5 जल के अणु और 1 जल का अणु बाहर। इसी प्रकार से नेक्स्ट पुनः हम लेंगे केंद्रीय परमाणु क्रोमियम Cr और यहां पर 4 जल के अणु H2O, 4 जल के अणु संकुल के अंदर, 2 क्लोरीन संकुल के अंदर इस प्रकार से। और चूंकि हमारे पास 3 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन में से 2 क्लोरीन अंदर आ गए, 1 क्लोरीन बाहर, और 4 जल के अणु चूंकि हमारे पास 6H2O है तो यहां पर 2 जल के अणु संकुल के बाहर इस प्रकार से गहरा हरा रंग प्राप्त होता है, गहरा हरा। तो हम क्या जान रहे हैं, जब संकुल के उप सहसंयोजी मंडल के भीतर और बाहर, ये भीतर और बाहर जल के अणु की भिन्नता के कारण समावयवता उत्पन्न हो तो इसे हाइड्रेट समावयवता कहते हैं। अर्थात संकुल यौगिक में जल के अणु में भिन्नता के कारण समावयवता उत्पन्न हो तो इसे हाइड्रेट समावयवता कहते हैं।